नमस्कार मित्रों जय माता देप माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो में इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचरिया कैसे रहने वाली हैं और आज का दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को कि इन, इन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली हैं और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली हैं वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सकें दिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा आप किसी पुराने बीमारी में काफ़ी आराम महसूस करेंगे आपका धन आपके काम तभी आते हैं आप फिजूल खर्ची करने से खुद को भी रोकते हैं आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड भी ख़राब कर सकते हैं लेकिन अपना कापा ना खोएँ इससे और सिर्फ आग ही और भड़केंगी अगर आप सहयोग ना करें तो कोई भी आपसे नहीं और झगड़ सकते हैं सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए भी कोशिश करें आप और प्रेम की भी आग में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जलते रहेंगे कार्य क्षेत्र में हालात आपके पक्ष में भी रुक भी करते मालूम होंगे अपने बच्चों के लिए आज समय का सदुपयोग करने की सलाह भी दे सकते हैं शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी जोरी भी रहने वाली है व्यक्तिगत और कार्यों में से सफलता मिलेंगी इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाएं अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा करने का भी प्रयास करें प्रभावशाली लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं युवाओं को भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी प्रयास करने पड़ सकते हैं अभी यात्रा से बचें क्योंकि इससे आपके कोई फायदा नहीं होगा अपने व्यक्तिगत कार्य को भी पूरा करने में ध्यान लगाएं और इस वक्त कोई भी और अटका हुआ काम भी दिक्कत भी दे सकते हैं आज कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्थता रहेंगी और बिल्कुल भी परिणाम मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय फायदेमंद रहेंगे इस समय सरकारी और आज कदम नौकरी भी के लाभ के भी आज के स्थिति भी बन सकती हैं घर परिवार से संबंधी राज मामलों में स्वराज्य के दिन अपने अपना भी योगदान भी देने होंगे राज्य के दिन अपने और प्रेमी प्रेमिका के डेटिंग के भी अवसर मिलने वाले हैं गैस और एसिडिटी की समस्याएं बढ़ेंगी इस मौसम में ज़्यादा गरिष्ठ और तालाब भुना खाना भी खाने से बचने होंगे और आजब का भाग्यशाली रंग रहने वाली हैं आसमानी और आजब का भाग्यशाली अंक रहने वाली हैं दो जो आज के देखने के लिए आपके लिए बहुत ही सुबर बहुत ही लाभदायक रहने वाली हैं अपनी तुलना और अन्य लोगों के साथ होने से आत्मविश्वास की कमी महसूस होंगे आप हर एक छोटी सी बात का भी ध्यान देने की कोशिश करें आपको सही अवसर प्राप्त हो रहे हैं नकारात्मक बातें छोड़कर भी उन पर भी ध्यान दें अपने काम के भी जुड़ी और जिन बातों से भी आप पारंगत हैं उन पर भी ध्यान दें काम की क्वालिटी बेहतर रखने के लिए भी कोशिश करें अन्य लोगों पर भी आप विश्वास बढ़ेंगे जो नए अवसर भी आपको भी दिला भी सकते हैं विवाह संबंधी निर्णय दबाव में ना ले और लोबीपी की वजह से कमजोरी के चक्कर की भी तकलीफ भी आज के दिन हो सकती हैं और आज आपको अधिकारों से पूर्ण सहयोग मिलेंगे आमदनी काफी बढ़ेंगी यदि आप नौकरी हैं तो आप आय में वृद्धि या पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं आप कुछ धार्मिक कार्य में संलग्न हो सकते हैं इस कारण से सा आपकी सामाजिक लोकप्रियता भी आपके लिए बढ़ने वाली है बड़ों का भी आशीर्वाद ले ले तो आपकी लोकप्रियता भी अच्छी तरह से भी आपके लिए भी बढ़ा रहने की संभावना है आज काला लेखन और संगीत फिल्मों या खेल जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेंगे आप सफल भी होंगे आपके और काम को भी व्यवसाय में सकारात्मक शक विकास भी, भी होगा गणेश जी के भी लड्डू का भी भोग लगा दे तो आपके लिए भी सकारात्मक विकास होने की पूरी संभावना है आज के दिन आपके भी सहकर्मी समूह के मध्य आपकी लोकप्रियता में वृद्धि भी आपके लिए भी संभव है व्यावसायिक रूप से चीज़ें सुचारू रूप रहेंगी आपकी अच्छी प्रकृति भी प्राप्त होंगी आपकी आमदनी बढ़ेंगी आपको आर्थिक लाभ भी आपको मिलने वाली हैं गणेश जी की मोदक भी चढ़ा दे तो आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है और आज समय अनुकूल नहीं है अनजान व्यक्ति के साथ काम करते समय सावधान रहें खुद को भी आराम देने के लिए भी कुछ समय निकालें अपने काम को भी अपने परिवार के बीच समय में बाधाएं ना बनने दें सफेद वस्तु का भी दान कर दें तो सारे बाधाएं जो बनने वाली भी समस्याएं चल रही थी वह भी दूर होते हुए आज के दिन चले जाएंगे व्यावसायिक में असावाद दृष्टिकोण के साथ कार्यस्थल पर भी आप ऊर्जावान भी रहेंगे आप अपने व्यवहार में अत्यधिक सफल भी होंगे ग्राहकों के साथ में अस्थायी संबंध बनाएंगे आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का लाभ उठाएंगे सिर्फ चालीसा का भी पाठ कर दें तो बेहतर अवसरों का लाभ ही लाभ मिलने की पूरी संभावना है और आज के दिन काफ़ी समय से जिंदगी एक ही दर्रे पर चल रही है कुछ मज़ेदार से भी नहीं हो रहे हैं और आपने नीरज जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें अपने पसंदी पर्यटन और स्थल पर भी जा सकते हैं या कहीं से भी और घूम बाहर भी घूमाएं महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए भी कुछ समय खुद के लिए भी और कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से भी काम भी कर पाए आज आपको अपनी शारीरिक फिटनेस का भी शुरुआत दुरुस्त भी करने के लिए किसी से प्रेरणा भी आपको भी मिलेंगी और आप दिमागी तौर पर यह भी बात अच्छे से जानते हैं आपको अपनी फिटनेस और सुधारना भी है तो लेकिन और करने का भी नाम भी आप पीछे हटते रहे हैं आज आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो चाहे और खुद और बहुत अच्छे रूप से आकार भी और स्वामी ना हो लेकिन आपको भी अविश्य प्रेरणित करेंगी आज आप कोई भी नया व्यायाम भी, भी कार्यक्रम या खाने का नया पैटर्न भी शुरू भी आप कर सकते हैं और आज ये समय अपने परिवार के विशेष ध्यान भी देने के लिए भी और उत्तम भी और आज का दिन और बच्चों के लिए भी और आज गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा भी गायन प्रतियोगिता खेल या भाग भी ले हो स रहे आप अपने माता पिता के भी और घर के भी जाने का भी योजना भी आप बना भी सकते हैं अगर वे और कहीं भी दूर रहते हैं तो आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपके लघु लेकिन चारशील प्रयासों की सराहना भी करेंगे आप लंबे समय से एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं इसलिए आपका दिन भी आज आपको निरस्त लग सकते हैं यह आपकी प्रकृति के लिए भी हानिकारक हैं इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने के लिए भी आप कोशिश करें हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ स्वादपूर्ण रिश्ते कानून लें क्योंकि उनमें से भी बहुत ही सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में आपको मदद भी कर सकने की संभावना है आपके लिए अच्छी तरह से भी रह पाए की संभावना भी रहने वाली हैं और ऐसे करने से आपके लिए बहुत बड़े फायदे भी एक साथ मिलेंगे और बहुत बड़े लाभ भी मिलने वाली हैं